शांति। आज का शुक्रवार का प्रातः क्लास है 7/10/1966। रिकॉर्ड चला है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रहे। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को कि बच्चों तुमने ये गीत सुना, जब आती दुख दाम है तो फिर बच्चे बुलाते हैं कि सुख दाम स्थापना कर करो। बच्चे जानते हैं कि भगवान ही स्वर्ग रचयिता, बस सुखदाम का रचयिता है, पावन दुनिया का रचयिता है और भगवान ही भगवती भगवान का राज्य स्थापन करते हैं। दुनिया में बाप के बच्चों के सिवाय और कोई बच्चे ये बातें नहीं जानते। कौन से बच्चे नहीं जानते हैं? हैं? जो और धर्म पिताओं के बच्चे हैं वो इन बातों को नहीं जानते हैं कि स्वर्ग का रचयिता सदा स्वयं स्थिति में रहने वाला ही है, भगवान है। भारत में भगवान और भगवती का राज्य था। इन देवी देवताओं को भगवती और भगवान भी कहते हैं। कब की बात? कलयुग की बात, संगम युग की बात है। ऊंचे ते ऊंचे महिमा इनकी है। माना सतयुग के राधा कृष्ण की इतनी ऊंची महिमा नहीं है, भगवान भगवती की इतनी ऊंची महिमा है। तो अभी भगवती और भगवान वो तो ठहरे जैसे विश्व के मालिक। बोलो किसके मालिक ठहरे? तो अभी भगवती और भगवान कितने धनवान हैं, कितनी उनकी राजाई है और फिर उनकी राजाई में कभी भी कोई भी उपद्रव नहीं होते हैं। क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिवान है। इसलिए उनके राज्य में कोई उपद्रव होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ईश्वर बच्चों को ऐसा बरसा देते हैं। तो मीठे बच्चे, अभी जो भी बच्चे बने हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार,
तो उन बच्चों में तो किनको तो बहुत खुशी है, और कोई कोई तो बेचारे ज्ञान पूरा नहीं उठाने के कारण न तो वहां नई दुनिया की खुशी में रहते हैं और न यहाँ संगम युग की खुशी में रहते हैं। उसी को फिर कहा जाता है कि दोनों जहान से गए हुए। कौन कौन से दोनों जहान बताए? न संगम युगी की दुनिया की खुशी ले पाते हैं और न आने वाली नई दुनिया सुखधाम की खुशी ले पाते। क्योंकि यहाँ आए करके बाप से वर्षा लेते लेते अगर गिर पड़ते हैं तो न वहां के रहे न यहाँ के रहे। तो बच्चों को तो मालूम है अभी दुनिया में तो कोई भी नहीं जानते हैं कि कोई भगवान आकर के स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, कोई नहीं जानते हैं। अरे ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी तो जानते होंगे, जानते हैं या नहीं? नहीं। क्यों है? बाप को पहचानते नहीं? पहचानते हैं तब तो हजारों की तादाद में जाकर के वहां इकट्ठे होते हैं। हैं? हाँ, वो ये नहीं जानते हैं कि भगवान आकर के स्वर की स्थापना करते हैं। वो क्या समझते हैं कि भगवान ब्रह्मा के तन में आता है और आकर के हमको पढ़ाई पढ़ा के चला जाता है और फिर हम स्वर की स्थापना करते हैं। तो वो कहते हैं कुरु की औलाद, जिन्हें अहंकार रहता है कि हम करते हैं, जो कुछ दुनिया में अच्छे से अच्छा काम है वो कौन करते? कहते हैं हम करते हैं, करो। और हमारे साथी बनो। बाप कहते हैं कि स्वर की स्थापना मेरे सिवाय कोई कर ही नहीं सकता, और धर्म पिताएं तो आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं, राज्य स्थापन नहीं करते हैं, राजधानी स्थापन नहीं करते हैं, और मैं तो राजधानी स्थापन करके जाता हूं तुम बच्चों के लिए, और आते भी गुप्त रूप में हैं। क्या? कैसे रूप में आते हैं? गुप्त रूप में आते हैं, और दुनिया जरा भी पहचान नहीं पाती है, दुनिया वालों को जरा भी पता नहीं पड़ता है कि कोई भगवान इस दुनिया में होना चाहिए और इस समय में होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है अंधे की औलाद, अंधे बेचारे अंधेरे में है। किस बात के अंधेरे में? उनकी दृष्टि में सूर्य निकला ही नहीं है तो अंधेरा हुआ या सोझ रहा?
घोर अंधेरे में है। इसको कहा जाता है घोर अंधेरा। जब 12 रात को बजते हैं तो उनको फिर कहेंगे घोर अंधेरा। अभी रात के 12 बजे हैं या नहीं बजे हैं? नहीं, नहीं बजे। अच्छा, 76 में बजे थे या नहीं बजे थे? हैं? नहीं बजे थे। लो, फिर बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया था या नहीं मनाया था? हैं? अच्छा, घोर सोजरा था। कृष्ण का जन्म और बाप का जन्म घोर अंधियारे में मनाया जाता है, महाशिवरात्रि कहते हैं। और राम का जन्म घोर सोजरे में दिन के 12 बजे मनाते हैं। तो घोर अंधियारा अभी हुआ या होना है? देखो, वो तो कहते हैं एम पीएम आफ्टर मॉर्निंग पास्ट मॉर्निंग। पीएम पूरा होता है घोर अंधेरा, एएम शुरू होता है घोर सोजरा सवेरा। उनको कहा जाता है रात, या उनका और ही नाम कर देते हैं मॉर्निंग। बस अंग्रेजी में तो एक ही अक्षर है मॉर्निंग और नाइट। तो अभी मॉर्निंग एंड नाइट का भी अक्षर जो बाप समझाते हैं मीठे बच्चों, जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं वो ही समझते हैं और जानते हैं कि अभी हम जो नाइट है तो वो नाइट पूरी होती है भक्ति की। अभी उन बच्चों में ज्ञान आ गया कि नाइट भक्ति की, जिसमें दुख ही दुख है। मनुष्य तो कहते हैं बरोबर कि भाई भक्ति के बाद भगवान मिलते हैं। अरे भाई, सो तो जरूर है, अभी दुर्गति होती है तब सदगति मिलती है। तो सदगति के लिए ही कहा जाता है भगवान आते हैं, क्योंकि अब मनुष्य की दुर्गति है तो दुर्गति हो गई ना। भक्ति मार्ग से क्या हुआ? दुर्गति हो गई। भक्ति मार्ग में दुर्गति, अभी कोई भक्ति को दुर्गति कहे तो बिगड़ पड़ेंगे। अभी इन बच्चों में जो भी बाबा कहते हैं हमेशा नंबरवार तो जरूर कहते हैं, किसका खुशी का पारा अच्छा चढ़ा रहता है, बहुत अच्छा, अंतर की खुशी रहती है, बहुत रहती है। और मेहनत भी ऐसे ही खुशी से करते हैं बहुत। बस कोई होवे तो हम बैठ करके किसको समझावें, फुरना लगा रहता है। तो उस आशा को पूरी करने के लिए भी बाप प्रबंध कर रहे हैं। क्या कहा? कौन सी आशा? नहीं, कोई आवे, कोई स्वयं ही हमारे पास आवे और हम उनको अच्छी तरह से समझावें। क्या? कि अभी
ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान दे विनाश। तो बाप अभी इस बात के लिए पूरा प्रबंध कर रहे हैं कि तुमको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा शिकार के लिए। क्या शिकार तुम्हारे सामने आप ही आने लगेंगे, ये बाप ऐसा प्रबंध कर रहे हैं, ऐसा प्रबंध कर रहे हैं प्रदर्शनियों का। कौन सी प्रदर्शनी? सो भी युक्तियां ऐसे रच रहे हैं जो उन युक्तियों को समझते ही उनको खुशी का पारा चढ़ जावे। तो जब अच्छी तरह से बुद्धि में बैठ जाता है कि कहां कहां है ये प्रदर्शनी की मूर्तियां, अभी देखो जिनके पास बहुत सुख है वो तो समझते हैं स्वर्ग यहां ही है, तो वो उनमें खुशी रहती है। इन बातों में तो आवे भी नहीं बिल्कुल, इन बातों को समझने के लिए ऐसे लोग नहीं आवेंगे, उनके लिए तो वो ही बड़ी है, वो ही बड़ी मुसीबत है। क्या कि इन बातों को वो समझने के लिए भी नहीं आवेंगे। बच्चियों को शादी न कराना, बच्चों को शादी न कराना, अरे ये तो हमसे हो ही नहीं सकता है। ये तो कोटन में कोई विरले निकलते हैं। क्या जो इतने समझदार बनते हैं, कितने समझदार कि हम भी स्वर्ग में जावेंगे और अपने बच्चों को भी स्वर्ग में ले जावेंगे। देखो देखते हैं ना कि बरोबर फॉलो फादर तो ठीक है, शिव बाबा के अभी फॉलो है करने वाले, उनकी मत पर चलो। फिर मत पर कौन अच्छी तरह से चलते हैं? वो देखना है कि कौन कौन फॉलो करते हैं। सात दस छियासठ की वाणी का दूसरा पेज, मत पर जो अच्छी तरह से चल रहे हैं उनको फिर फॉलो करो। तो बाप ने समझाया कि देखो ये बच्चे अच्छी तरह से चल रहे हैं, ये समझते हैं कि जो भी हमारे भी भले बच्चे वो अगर इस राह पर न चले तो जैसे कि वो रावण की तरफ है, और जो मेरी मत पर चलते हैं वो राम की तरफ है। क्या अंतर है दोनों में? अंतर क्या है? अरे जो राम की तरफ चलते हैं और जो बच्चे रावण की तरफ चलते हैं उनमें क्या अंतर हुआ? ओहो, राम को एक सर है मत देने वाला और रावण को मत देने वाले अनेक है। आज एक से मत लेंगे, कल दूसरे से लेंगे, परसों तीसरे से लेंगे, और धर्मों में कन्वर्ट होने की शूटिंग करते ही रहते हैं। ये तो बच्चा दुश्मन की तरफ और बाप दोस्त की तरफ ये बच्चे। और देखो दोनों तरफ तो इकट्ठे चल ही नहीं सकते,
क्या होता है, कोई कोई दो नावों पर पैर रखे हुए चलते हैं, तो क्या हाल होगा? एक नाव इधर गई और एक नाव इधर गई। तो देखो ये इतना सब कुछ इस ज्ञान में अभी होता है। कहाँ वो छी 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 बगुला विष पीने वाला और कहाँ अमृत पीने वाला, वो इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? इम्पॉसिबल है। तो देखो सन्यासियों में है परंतु वो तो अकेले है ना, वो तो कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र धर्म के नहीं है। ये भारत में आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म था, अभी बरोबर वो तो पतित धर्म है। कौन सा है? हाँ जी, ये तो गाते हैं अच्छी तरह से कि भारत पावन था, अभी वही भारत फिर पतित बना है। तभी पुकारते हैं, परंतु विचारों को तुम बच्चों को तो जो भी अच्छी तरह से याद में रहते हैं और खुशी में रहते हैं कि अभी हम बाकी थोड़ी रोज यहाँ हैं, टाइम तो लगता है स्थापना करने में, अपनी राजधानी स्थापन करने में टाइम लगता है। तो अंदर में ऐसा ख्याल करते रहेंगे श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है और विघ्न भी पड़ते हैं। अभी विघ्न कोई भी और लड़ाइयों में के माया के नहीं पड़ते हैं, ना कोई विघ्न पड़ते हैं, वो तो लड़ाई है। जिनमें ताकत है वो जीत जाते हैं, जिनमें इतनी ताकत नहीं होगी तो अपनी राजाई छोड़ करके या तो भाग जाएंगे। तो भाग जाते हैं एकदम। यहां भी क्या होता है? ताकत नहीं भरी है ज्ञान और योग की तो क्या होगा? भाग जाते हैं, एकदम भाग जाते हैं। देखो जब अंग्रेज आए थे तो कितने भागते थे, अपना किला बिला घर बार छोड़ करके भाग जाते थे। और यहां तो बात ही नहीं है। क्या क्या बात नहीं है? हैं? किला बिला छोड़ करके भागने की बात ही नहीं है, तो किसी को स्थूल किला है ही नहीं, फिर क्यों बोला? हैं? संगठन का किला छोड़ करके भाग जाते हैं, अपना किला बिला घर बार छोड़ करके भाग जाते थे। ये तो है ही गुप्त, हम कोई को भागते नहीं, भगाते नहीं है, स्वयं ही भाग जाते हैं, कोई के ऊपर चढ़ाई नहीं करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। ये बाप आकर के क्या क्या सिखाते हैं, और जिसको याद करते हैं हे दुखहर्ता सुखहर्ता, अब वो तो एक के लिए होता है ना बच्चे। ये सन्यासी गुरु कोई दुखहर्ता सुखहर्ता थोड़े ही हो सकते, इनका सन्यास तो यहां तक ही है बस।
घरवार छोड़ करके जंगल में बैठ जाना, बाकी किसी का दुख हरता और दुख हरता और सुख करता नहीं बनते। सो भी इस पुराने दुनिया में तो बिल्कुल ही नहीं बनते, जिसको फिर हद का संन्यास कहा जाता है। तो ये तो बेहद का संन्यास है, तो बेहद की खुशी है। हद का संन्यास है तो हद की खुशी। अब ये तो समझते हैं बेहद की खुशी तो सिर्फ है ही भगवान भगवती को, या तो ऐसे कहते रहते हैं मनुष्यों को भगवान भगवती, क्योंकि सर्वव्यापी है, तो फिर यहाँ भगवती और भगवान कह देते हैं, ये भगवान। बाकी वो कुछ शोभता नहीं है कि भगवान कहना किसी को। सो भी जो हैं पतित उनको तो जो आता है सो बोलते रहते हैं। तुमको तो एक एक अक्षर बड़ा युक्ति से समझाना होता है। तो वो जो कहा जाता है ना, कोई भी चीज में, इसमें तो रात दिन का फर्क है। तो बरोबर ये तो बिल्कुल कामन बात है, कामन चीज है कि ये दुनिया नई और पुरानी दुनिया होती है। नई दुनिया में और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। फिर जब नई दुनिया बने तो फिर रात दिन का भेंट कैसे करें? नई दुनिया में तो भेंट ही नहीं की जा सकती, कोई से भी भेंट नहीं की जा सकती। क्यों? नई दुनिया में भेंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पुराना वहां कुछ होता ही नहीं, और यहां हैं? यहाँ पुरानी दुनिया है, दुख की दुनिया है, लेकिन भेंट क्यों कर सकते हैं? हैं? क्योंकि बुद्धि में है, इस दुनिया में पैराडाइज था, स्वर्ग था। नई दुनिया में तो पता ही नहीं रहता कि पुरानी दुनिया भी होगी। पता रहता है? नहीं। पुरानी दुनिया में भेंट की जाती है, समझा ना बच्ची? नई दुनिया वालों को ये मालूम नहीं पड़ेगा कि हम कोई पुरानी दुनिया में जाने वाले हैं, या पुरानी दुनिया में क्या क्या होता है। कुछ होगा बच्ची उनको? नहीं। दुनिया वालों को फिर ये सभी बातें भूल जाते हैं। तुम जो पुरानी दुनिया वालों को जो तुम जो पुरानी दुनिया वाले हो, उनको बाबा ने आकर के सब समझाया, तभी अनुभव होता है कि देखो उफ, स्वर्ग तो फिर भी स्वर्ग है और ये नरक तो फिर भी नरक है। हम तो पुकारते रहते थे जिसको, वो जब ही आ करके मिला है तो फिर उनको अच्छी तरह से अपना बरसा लेना चाहिए। अभी मिला है उनको जिन्होंने पुरुषार्थ आकर के किया है, मिलना भी उन्हीं को है जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया था, और जैसा पुरुषार्थ किया था वैसा ही बरसा मिलेगा। उनमें भी नंबरवार हैं किनमें? पुरुषार्थ करने और वर्षा लेने वालों में। जैसे बाप कहते हैं, बच्ची क्या था वहां? वहां जो ये थे क्या वहां रहने हैं? सदा रहेंगे? इसे गाया जाता है
कि कांटे हैं, तो विवेक कहता है हाँ बबो बरूबर एक दूसरे को काटते होंगे, कांटा लगाते होंगे, और क्या करते थे। पीछे क्रोध भी तो कभी थोड़ा बहुत आ ही जाता है। 7-10-66 की वाणी का तीसरा पेज, तीसरी लाइन, गंध तो नंबर वार में है, विकार का गंध है ना, और फिर भी तो ये क्या है, पुरानी दुनिया है बच्ची, और नई दुनिया जरूर अच्छी थी। मनुष्य मरते हैं तो भी बोलते हैं भाई क्या नई दुनिया में, बोलते हैं नहीं, अभी नई दुनिया में तो कोई जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते अभी है? नहीं, नई दुनिया है ही नहीं तो जाएंगे कैसे। कह देते हैं स्वर्ग पधारा, तो अनजान में है या ज्ञान में है, अनजान में कह देते हैं। अभी स्वर्ग किसको कहा जाता है बेचारों को मालूम ही नहीं है, नहीं तो भला कह देते ना, गया नई दुनिया में, गया स्वर्ग में, और नई दुनिया में स्वर्ग में तो जब ही पुरानी दुनिया खत्म होए तभी तो नई दुनिया आवे, ऐसे ही मुख से कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। अरे भाई स्वर्गवासी नई दुनिया होती है, स्वर्गवासी कोई यहाँ बीच में थोड़े ही रखी हुई है। तो तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से कि स्वर्ग भी यहाँ होता है और दुनिया में तो कोई जानते ही नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ इसी दुनिया में स्वर्ग होता है, और धर्म वाले क्या समझते हैं हैं? वो समझते हैं स्वर्ग आकाश में कहीं ऊपर होता होगा और नरक पाताल में। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो है क्या है? हाँ, कि इसी दुनिया में भारत में स्वर्ग था और अभी ये जो दुनिया गोल है इसमें सूरज डूब करके जब नीचे जाता है तो कहाँ जाता है? है नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है? है नीचे जाता है पाताल में, उसको उन्होंने पाताली कह दिया है। वास्तव में नरक क्यों कहा है? वो विकारी दुनिया, विलायत की जो विकारी दुनिया है वो किसने बनाई है? मनुष्यों ने ही तो बनाई जिन्हें नरक कहा जाता है। अभी देखो कहते हैं स्वर्ग भी यहाँ होता है, नरक भी यहाँ होता है, ये अक्षर है वो पकड़ लेते हैं कि यहाँ ही स्वर्ग यहाँ ही नरक, जिसको सुख है वो स्वर्ग में है और जिसको दुख है वो नरक में है, है? वो क्या समझते हैं हैं? हम बड़ी मेहलवानियों अटारियों वाले हैं, हम स्वर्ग में, और वो झोपड़ियों वाले हैं वो नरक में। परंतु ऐसे नहीं है, ये सब भारत नया है तो स्वर्ग कहा जाता है। सतयुग में है तो स्वर्ग है, जब भारत पुराना है तो कलयुग है, फिर उनको नरक कहा जाता है। तो यहाँ ही माना इसे दुनिया में ही, दुनिया दूसरी कोई है ही नहीं, इसके ऊपर दुनिया है या नीचे दुनिया है वो तो ढूंढते रहते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं, नरक हो क्या ना मंगल पर जाते हैं, क्या समझते हैं कि वहां स्वर्ग होगा? अरे इसी दुनिया में जब नई दुनिया है तो स्वर्ग है,
जो पुरानी दुनिया है तो नरक है, अभी वो भी तो सिद्ध हुआ कि बरोबर जब नई दुनिया है तो इनका राज्य था, इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिनको स्वर्ग कहा जाता है। फिर पुरानी दुनिया है, इनका राज्य नहीं होता है, इनका राज्य पुरानी दुनिया में हो कैसे सकता है। ये जो गाया हुआ है कि 84 जन्म मनुष्य लेते, तो बाप ने आकर के बताया है क्या, अभी प्रैक्टिकल में सुनते तो हैं कि भगवान वाच, तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो या नहीं सुनते हो, हैं? तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो, वो गीता पढ़ने वाले क्या समझते हैं, हैं? कि भगवान वाच पहले कभी था, अभी तो नहीं है, और तुम प्रैक्टिकल में अभी सुनते हो कि मैं आया हुआ हूं, बाप ने आकर के बताया है, तो कहा जाता है भगवान वाच, मैं तुझे 84 जन्मों को बता करके स्वर्ग देता हूं। जब जब धर्म की ग्लानी हुई थी, जब गीता सुनाते थे तब कहते थे, ऐसे ही कहेंगे ना बच्चे, मैं तुझे अभी राजाओं का राजा बनाता हूं, स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। इसलिए विनाश है पुराने नरक का, नरक का तो जरूर विनाश होना चाहिए ना। तो कहता था बरोबर, अब वो कहने वाला कौन था, कब कहता था, किसको भी पता नहीं है। क्यों, पता तो है, द्वापर के अंत में कहता था, कौन कहता था, कहते श्री कृष्ण कहता था, अरे द्वापर के अंत में कहता था, तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करता था। तो देखो किसको भी पता नहीं, नाम दे दिया है कृष्ण का, क्या कि कृष्ण भगवान था, भगवान ने आकर के नर अर्जुन को नर से 16 कला संपूर्ण नारायण बनाया। अरे बनाने वाला भी नारायण और बनने वाला भी नारायण, ये कैसे, बनाने वाला जो रचयिता है जास्ती होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, वो तो जास्ती पावरफुल होना चाहिए ना। वो दोनों को 16 कला संपूर्ण बताई दिया कि नर अर्जुन भी 16 कला संपूर्ण बनता है और नारायण भी 16 कला संपूर्ण होता है। अरे बनाने वाला तो कलातीत होगा, ऐसा होगा कलाओं से परे होगा। और फिर देखो कृष्ण का नाम लगाने के साथ साथ लड़ाइयां लगा दी, कैसी लड़ाइयां, हिंसक लड़ाइयां लगा दी, फलाना फलाना कर दिया। और लड़ाई भी तो है, ऐसे नहीं लड़ाई नहीं है, कोई ऐसे नहीं कि लड़ाई है ही नहीं, पर किसके बीच में लड़ाइयां हैं ये भी तो दुनिया बिचारे नहीं जानते। शास्त्रों में तो उल्टा पुल्टा लगाए दिया है, दोनों पलटने आमने सामने खड़ी थी। कौन कौन सी पलटने, कौर और पांडवों की। अभी तुम्हारी पांडवों की कोई पलटन हो सकती है बच्ची, हैं? पांडवों की कोई भी पलटन बिल्कुल ही नहीं है, हैं? क्या कहा, पांडवों की कोई पलटन नहीं होती है। दुनिया में भी जो भी हिस्ट्री में लड़ाइयां हुई है
वो पुरुषों ने लड़ाइयां लड़ी है या स्त्रियों ने पलटने खड़ी की है? हैं? पुरुषों ने पलटने खड़ी की है। यहां तुम्हारी कोई पलटन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। देखो महाशिवरात्रि के चित्र में क्या दिखाया है, है? अरे माला में कौन खड़ी है? माताओं की पलटन खड़ी है, कन्याओं की पलटन खड़ी है, पांडवों की पलटन तो नहीं दिखाई है। तो देखो तुम्हारी कोई पलटन नहीं है। पलटने हैं जरूर, माताओं की है और कन्याओं की है। पलटने बनती हैं तब जब ये होता है, इनका परेड होता है, इनका पलटनों का परेड होता है। उनका है जिस्मानी परेड और तुम्हारा है रूहानी परेड। उनकी भी जब परेड होती है तो स्पेशल पोशाक होती है, और तुम्हारी भी स्पेशल पोशाक है। कौन सी पोशाक है? है वाइट कलर। तो देखो कोई बड़ा दिन होता है तो बच्ची माताओं की पलटने बड़ी आती हैं, खड़ी हो जाती हैं टिप टॉप। जैसे उनकी लड़ाई बंदूक वगैरह की होती है, वो सबको दे देते हैं, एक एक बंदूक सबको दे देते हैं। तो कितनी शोभा पाती हैं देखने में, बहुत उनसे उनकी पलटने शोभा पाती हैं। हैं? कब की बात, कोई बड़ा दिन होता है, 26 जनवरी होती है ना, तो दिखाते हैं ना, तो शोभा पाती है। फीमेल की तो हमेशा शोभा होती है उनसे, उनकी एक्टिविटी वगैरह ये जब होती है तो नई बात देखते हैं। तो यहाँ तो तुम्हारी कोई ये पलटन वलटन तो है ही नहीं। अब उन दुनिया वालों को क्या मालूम कि ये शिव शक्ति सेना है, हैं? अभी शिव शक्ति सेना, शिव बाबा तो कभी कोई आकर के हिंसा विंसा नहीं कराएंगे, हैं? शिव बाबा आकर के हिंसा कराएंगे? दुनिया के जो सन्यासी होते हैं वो भी तो महात्माएं होते हैं, वो हिंसा करने का उपदेश देते हैं क्या, हैं? और शिव बाबा तो कोई साधारण संत तो नहीं है, ये तो बड़े ते बड़ा संत है। वो हिंसा करने की परमिशन देगा? नहीं देगा। तो देखो अभी हिंसा तो कोई भी नहीं है। बाप कितना अहिंसक बनाते हैं, डबल अहिंसक। कैसे हैं? एक तो स्थूल हिंसा भी नहीं करनी है, कोई का गला आदि काटना, हैं? खून खराबा करना, और दूसरा काम विकार की भी हिंसा नहीं करनी है। तो तुम तो डबल हिंसक बनती हो, न राजाई लेने के लिए कोई को कुछ भी घूसा आदि मारती हो, मुट्ठी मारती हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तुम्हारा तो कौन सा युद्ध है? माया का युद्ध है। तो माया के युद्ध में किसी को गाल में गुलचा मारती हो क्या? हैं? वो भी नहीं। क्या करती हो? कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है 100% नॉन वायलेंस, और उनको कहा जाएगा 100% वायलेंस, क्योंकि इस समय में वायलेंस 100% एक्यूरेट है दुनिया में। देखो इस दुनिया में कितनी वायलेंस होती है, हिंसा होती है। एक
बम से एकदम कितना खलास कर देते हैं, कितना विनाश कर देते हैं। ये वायलेंस की भी तो कोई सीमा होनी चाहिए ना। 7/10/1966 की वाणी का चौथा भी, अरे तो इनको कहा जाता है बेहद का वायलेंस, जिसकी कोई भी हद नहीं। तो बेहद की वायलेंस और बेहद की नॉन वायलेंस, देखो रात दिन का फर्क है, बिल्कुल ही रात दिन का फर्क है। वहां वो पाकिस्तान में 100 हिंदुओं को मारेंगे, तो यहां हिंदुस्तान में 500 हिंदुओं को मार डालेंगे मुसलमान। तो कोई हद है, हैं? कोई हद नहीं। बेहद की वायलेंस और बेहद की नॉन वायलेंस, रात दिन का फर्क है बिल्कुल। और वहां देखो उस दुनिया में जहां वायलेंस ही वायलेंस है, वहां कितनी आवाज होती है। बम फटाके होते हैं तो आवाज होती है कि नहीं, और ठक्का ठक्का बम का उनका चलता ही रहता, क्या हो जाते हैं बिल्कुल ही। बंदूक छूटती है और बम्स गिरते हैं, ठक्का ठुकी होती ही रहती। बाप बिल्कुल ही बेहद की ठक्का ठुकी होने की है, और तुम इस तरफ में बेहद की साइलेंस में एकदम रहते हो। क्या कहा है वहां और यहां, वहां और यहां में क्या अंतर हुआ है? वहां माने कहां? और इस तरफ में माने कहां? एडवांस। अच्छा, एडवांस में वायलेंस वाले और नॉन वायलेंस वाले बेहद के नहीं है, हैं? तो फिर यहां भी दो तरफ हो गए ना, जो वायलेंस वाले होंगे वो एक तरफ और नॉन वायलेंस वाले दूसरी तरफ। जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था कराची में, क्या था 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रेलें की रेलें काटी जा रही थी, खून की नदियां बह रही थी, और तुम वहां आराम से बैठे हुए थे, कोई वायलेंस नहीं, बड़े आराम से बैठे हुए थे। तो जैसे आदि में हुआ वैसे अंत में भी होना है। जितना जास्ती तैयारी होती जाती है, वहां ठका ठक की मारने की तैयारी, और नेचुरल कैलिटीज में भी तो बाम से ही धरती घूमती है, तो बड़े ठक्के होते हैं। बरसात पड़ती है तो मूसलों की बरसात पड़ती है, पत्थरों की बरसात पड़ती है, तभी तो ठक्का होता है। कितना आवाज होता है उस वायलेंस से विनाश में, और फिर स्थापना में देखो कितनी साइलेंस, बिल्कुल ही साइलेंस। तुम देखो कितनी साइलेंस में बैठे हो एकदम, और वहां कितनी वायलेंस है दरवाजे के बाहर है। ठक्का होता है या नहीं होता है? आवाज का ठक्का। तो रात दिन का फर्क, साइलेंस में कितना बल है, तो यहां बल का मालूम पड़ता है।
फिर इस बल का भी मालूम पड़ता है, सब बात की निचोड़ सब होती है, अभी होती है। सब कुछ तुम बच्चे अभी समझ सकते हो, अनुभवी हो, प्रैक्टिकल लाइफ है तुम्हारी कि हम बाप से कैसे योग बल का वर्षा ले रहे हैं, है योग बल का, और योग बल से बाबा की याद से बाबा को याद करेंगे जब ये आफतें आवेंगी। अल्फ को याद करते हो और बेस्वरक की बादशाही तुमको मिल जाती है। ये देखो अभी कितना सहज बताते हैं, और वायदा है मोस्ट बिलीव्ड बाबा आते हैं। क्या कहा हैं? वायदा है क्या? मोस्ट बिलीव्ड बाबा आते हैं, माने अभी आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं, मोस्ट बिलीव्ड है। दुनिया में इतना बिलीव्ड कोई नहीं होता। आज निश्चय बुद्धि और आज इसके ऊपर अनिश्चय बुद्धि, बड़ा बिलीव्ड है। बिलीव्ड आया है या नहीं आया है? आया है, आया है आज निश्चय बुद्धि। अरे कल कैसा ही है, बाबा आया हुआ है। फट से निश्चय बुद्धि, फट से अनिश्चय बुद्धि, उसको बिलीव्ड कहा जाता है। तो आया है या नहीं आया है? हैं? आया नहीं है, बाबा कहते हैं। और वायदा है बाप का, मोस्ट बिलीव्ड बाबा आते हैं। क्या? और आते ही ठक से राजधानी स्थापन कर देते हैं। बाप का काम क्या है? आते ही ठक से राजधानी स्थापन करना। अरे बच्चे, मोस्ट बिलीव्ड बाबा आते हैं। अरे बाबा क्या सौगात लाते हैं? आते हैं तो कुछ लाते हैं कि खाली हाथ आ जाते हैं? क्योंकि आते तो हैं दूर देश से ना, तो दूर देश से जब कोई संबंधी बाप या पति आते हैं तो क्या खाली हाथ आते हैं? जैसे विलायत में रहने वाले बाप आजकल आते हैं भारत में, कोई अमेरिका, कोई जर्मनी, कोई कहाँ कहाँ दूर देश से आते हैं। जब उनके बच्चे होते हैं तो उनको देख करके बड़े खुश होते हैं, बाबा हमारे लिए विलायत की सौगातें लाएंगे। ये भारत की नहीं, विलायत की सौगात, बहुत अच्छी 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 सौगातें लाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी सौगातें होती हैं। यहाँ तो फिर बाबा आते जरूर हैं, हैं? आते हैं या नहीं? आते हैं जरूर, वो तो बाबाएं आते हैं, आते ही रहते हैं, वो तो है ही यहाँ। ये बाबा एक कल्प में एक ही बार आते हैं, और फिर कौन कौन सी सौगातें ले आते हैं, हैं? वो बोलता है मैं बच्चों के लिए अभी पॉकेट में सौगात नहीं लाया हूँ, मैं तो बोलो पॉकेट में या थैले में या अटैची में धर के एक सौगात नहीं लाया हूँ, मैं तो हैं तीरी पर बहस्त लेकर आया हूँ। वो बोलता है मैं तीरी पर बहस्त लेकर आया हूँ। तीरी माने हथेली, माने हाँ बुद्धि रूपी हथेली में सौगात लेकर के आया हूँ। जैसे वो दिखलाते हैं ना, हनुमान क्या ले आया है?
बाबा ने बोला रावण पाड़ ले आया। ये क्या कह दिया है? ये किसने बोला? ये ब्रह्मा बाबा ने बोला रावण पहाड़ ले आया। तीरी पर संजीवनी बूटियों का पहाड़ ले आया। अभी पहाड़ तो उठ नहीं सकता है ना, अभी वो भी कहते हैं मैं बहिश्त लेकर के आया हूं। तो बहिश्त कोई तीरी पर उठता है क्या? ये समझ की बातें होती हैं। बुद्धि रूपी हथेली में स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना कैसे होनी है वो समझ मिलती है, बाकी कोई तीरी पर बहिश्त नहीं आ जाता है। तो बाबा हमारे लिए नंबर वन सौगात लाए हैं कि हम आया हुआ हूँ तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाने के लिए, जो तुम सभी चाहते हो। परंतु जब पतित हो तो फिर पावन बनना चाहिए ना। अच्छा, पावन बनाने के लिए भी तो मैं नामी ग्रामी हूँ, नामी ग्रामी हूँ है? शास्त्रों में किस नाम से नामी ग्रामी हूँ है? अरे नामी ग्रामी हूँ तो कोई नाम होता होगा ना। पतित पावन सीताराम, पतित पावन राधा कृष्ण नहीं कहते, पतित पावन लक्ष्मी नारायण नहीं कहते, कहते पतित पावन शंकर पार्वती नहीं कहते, पतित पावन ब्रह्मा सरस्वती भी नहीं कहते, क्या गायन है? पतित पावन सीताराम। तो देखो नामी ग्रामी हुआ ना। गाते रहते थे पतित पावन, और फिर कैसे वो पतित से पावन बनाते हैं वो गाया हुआ है कि योग बल से बनाते हैं। तो ये प्राचीन भारत का राजयोग बल किसने सिखलाया था भाई? गीता के भगवान ने सिखलाया था। उस योग बल से भगवान ने आकर के बादशाही दी होगी। वो बादशाही थी और अभी नहीं है, और अभी ये बुद्धि में फिर बाप से बाप आकर के बिठाते हैं कि जब तुम कहते हो हम हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं, किसके बच्चे? हेवनली गॉडफादर के बच्चे। नाम क्यों दिया हेवनली गॉडफादर? है हेवन माने स्वर्ग, स्वर्गीय होता है क्या? वो स्वर्ग में होता है? होता नहीं है, परंतु स्वर्ग की स्थापना करता है, इसलिए हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। स्वर्ग के स्थापन करने वाले के बच्चे हैं, और बाप ही नई दुनिया स्थापन करते हैं। ओम शांति।